हेलो मित्रों, चलिए छोड़िए मित्रों नहीं, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे गांव के पास ही 500 आम के पेड़ों का बगीचा, जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में और घूमने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि इस लॉकडाउन और कोरोना महामारी में तो कहीं जाने का मौका हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो पेश करता रहता हूँ कुछ न कुछ। तो इस कड़ी में मैं आज आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत बगीचा दिखाने वाला हूं। और अभी लगभग हम लोग 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके पास उसके पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि धूप कितनी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी अगर जो हम लोग यहां पे आए हैं तो इतने सारे पेड़ लगे हैं और नदी का किनारा है कि यहाँ पर ठंडक सी महसूस हो रही है। तो चलिए आप लोगों को घुमाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए, ताकि आपका ये भाई थोड़ा सा सपोर्ट पा सके और आगे बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बैक कैमरे से इसकी खूबसूरती घुमाते हैं। ये जो जगह है तो ये इतनी ख़ास है क्योंकि चारों तरफ से इतना घनघोर जंगल है। मात्र इसमें कमी है तो सिर्फ जानवरों की है, बाकी ये पूरी तरीके से देखने में और घूमने भागने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक घनघोर जंगल की भांति दिखता है। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अद्भुत होता है। तो हम लोग थोड़ा दूरी से आए थे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थक चुके हैं और यहाँ पे छाया में रेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे जो छाया है तो बहुत ठंडी ठंडी छाया है और ठंडक महसूस हो रही है क्योंकि ये चारों तरफ से जो है तो घना जंगल है। आप लोग देख सकते हैं कि हर तरीके के पेड़ हैं। और आगे जो है तो मैं आप लोगों को बगीचा घुमाने वाला हूँ। यहाँ पर लगभग 300-400 पेड़ आम के होंगे, आंवले के होंगे और अमरूद के भी पेड़ हैं यहाँ पर। तो आपको मैं दिखाऊँगा, कवर करूँगा जितना हो सकेगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेंगे। तो अभी हम लोग बगीचे के अंदर इंटर करने वाले हैं और इंटर का जो दृश्य है बहुत खूबसूरत है क्योंकि नदी क्रॉस करके आना पड़ता है। नदी भी ऐसी है कि पूरी तरीके से चट्टाने हैं, तो उस पर चल के जो है तो आना पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये देखिए एकदम घनघोर जंगल है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाँस के जो है तो पेड़ लगे हुए हैं। और ये आंवला है, ये आंवले का वृक्ष है और अभी इसमें फल तो नहीं लगे हैं। और यहाँ पे पौधों में पानी देने के लिए यहाँ पे मोटर पाइप की व्यवस्था होती है। तो ये देखिए आप लोग, इस साइड अमरूद के पेड़ हैं और सागौन के भी पेड़ हैं। तो ये आंवले का पेड़ है, एकदम लाइन से लगा हुआ है। तो यहाँ से अब आगे पूरा आम का बगीचा है और देख सकते हैं कि इसमें आम लगे हुए हैं, फल लगा हुआ है। और यहाँ से अब यहाँ तक ये बगीचा है तो इस तरफ जो है तो आम के पेड़ लगे हुए हैं और आम के पेड़ जो है तो बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो इतने छोटे छोटे पेड़ हैं कि अगर जो ज़मीन से आम तोड़ना होगा तो तोड़ सकते हैं आसानी के साथ। तो ये मोटर चालू है, आप लोग देख सकते हैं ये मोटर चालू है और यहाँ से सिंचाई हो रही है। और यहाँ पे आगे जो है तो आम ताकने वाले बैठे हैं। कहा चाचा, रात नहीं पे रहते हो? रात नहीं पे रहते हो? और सब अच्छा? फूलचंद का खाना आ गया है और फूलचंद अब खाना खाएंगे। के कितने पेड़ होंगे? 400। और आंवले के 50-60। तो वहाँ पे तकरीबन 500 आम के पेड़ हैं। यहाँ तक आया था तो आम दिखे और पास पास में लगे थे हाथ से तोड़ने लायक। तो एक दो आम तोड़ा हूँ और कच्चा ही आम खा रहा हूँ।
और पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आम मैं 10-15 आम खा सकता हूँ, इतना ज़्यादा कच्चा आम मेरे को पसंद है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो सोचा कि एक दो आम यहाँ से खाता चलूँ। हमारे भैया जी, हाय भैया, हाय भैया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और बगीचे की सिंचाई हो रही है। और ये जो आम होते हैं, इस वैरायटी के आम को सींचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनको जो है तो पानी जो है तो समय समय पे 10 दिनों में 15 दिनों में देना होता है। तो देते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। चाचा जी के पास बैठा दरबार हुए और चाचा ने बताया कि कैसी मेहनत होती है, कितना उत्पादन हुआ। और ये बगीचा इनका नहीं था, इन्होंने 70,000 रुपये में इसको जो है तो ठेके पे लिया है। लगभग 500 आम के बगीचे में पेड़ हैं और उतना ज़्यादा जो है तो फल नहीं लगे हैं। तो यही सब हाल चाल था। घूम के फाइनली बहुत अच्छा लगा। खासकर अगर जो हमको यहाँ पे फीडबैक देने के लिए बोला जाए तो मैं यही कहूँगा कि वेरी नाइस प्लेस। और इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में अगर जो कोई चीज़ घूमने लायक है तो आप इसी तरह का बगीचा, गार्डन कहीं पर जाइए और एकांत में बैठिए और खूब सारे मज़े करिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इतनी ज़्यादा रास्ते में धूप लग रही थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। इस बगीचे के बीचों बीच यहाँ पे एक कुटिया बनाई गई है और यहाँ पे रहते हैं और इस बगीचे की देख रेख करते हैं। तो हम लोगों ने पूरा सर्वे कर लिया है इस बगीचे का, बहुत अच्छा लगा घूम के। इस तरफ जो है तो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लगभग 250 के आसपास जो है तो यहाँ पे अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और उस तरफ आंवले का था और आम का पेड़ तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। और सागवान भी देख लीजिए, ये सागवान भी लगा हुआ है। और वैसे भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।